हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विद शशिकला पांडे में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज संडे है और संडे को बच्चे कुछ ना कुछ डिमांड ज़रूर करते हैं। तो आज मेरे बच्चे का भी डिमांड है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। वैसे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद है। आलू भर के पूड़ी कहिए या पराठा कहिए, देखिए यहाँ पर आटा हमने रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये चोखा उसका मतलब बना लिया है हमने, सारा चीज़ डाल करके। देखिए इसमें मतलब मिर्चा पाउडर, धनिया की पत्ती, आलू मिर्चा सब कुछ डाल करके उसको चोखा अच्छे से रेडी कर दिया है। और यहाँ पर तवा, देखिए तवा भी रख दिया है मैंने। एक तरफ दूध गर्म हो रहा है और हमने सोचा कि आज बना देते हैं, संडे है। वैसे भी स्कूल जाते समय कभी कभी हम उसको बनाते हैं और संडे भी है, कोई लेट हो नहीं रहा है तो आराम से वो खा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे का प्रोसेस आप देखते रहिए। यहाँ पर रख देते हैं हम। देखिए हमने इतना बड़ा ही इसको बनाया है और अब इसमें भरेंगे इसको। इसमें प्याज भी हमने डाला है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है प्याज। देखिए ऐसे इस तरह से इसको बनाते जाएंगे और पूरा इसको गोल कर देंगे इस तरह से, चापट चिपटा मतलब। फिर इसमें आटा लगा करके और इसको बेल करके पूरा बनाएंगे। इसको आलू भर के पूड़ी भी कहते हैं, पराठा भी कहते हैं और सारे लोगों को ये पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको या हमारे बच्चे और हस्बैंड को पसंद है, सबको पसंद आता है ये। देखिए तवे पर हमने डाल दिया है इसको होने के लिए, बेल करके रोटी जैसा बना करके। और इधर रिफाइन भी हमने कटोरी में रखा है लगाने के लिए। वो हो रहा है तब तक दूसरा इसका लोई जैसा बना करके भरने के लिए तैयार कर ले रहे हैं। देखिए वो हो रहा है और इसमें चोखा भर करके हम बना रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं। और बताइए दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आलू भर करके ये पराठा कैसा लगता है। ऐसा बड़ा इजली जो है ये बन जाता है। और बिल्कुल इसको बराबर से ये करेंगे, दबाएंगे और हल्का बेलन से मतलब बेलेंगे, ज़्यादा दाबना नहीं है इसको। ये देखिए दोस्तों, हमारी एक पूरी बन करके तैयार हो गई है, ताजी ताजी गर्मा गर्म आलू पराठा। देखिए दोस्तों, इस पर रिफाइन लगा देते हैं हम, इस वाले पर जो डाले हैं। ये हो रहा है और तब तक इसको तैयार कर लेते हैं फटाफट। बहुत ही अच्छा लगता है सारे लोगों को, खास करके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है खाने में, सारे बच्चों को लगभग पसंद है। सभी बच्चे बड़ा ही पसंद से खाते हैं आलू भर करके पूरी या पराठा।
देखिए दोस्तों बना रहे हैं ताज़ा ताज़ा। आप सभी को हमारे तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो हमारी गर्मा गर्म पूरी बन करके तैयार हो रही है आलू भर करके। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।